अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस कंडीशन में जिन भाई ने पर्स रखे हैं उनके लिए उनका खर्चा कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो आज की अगर आप हमारी ये वीडियो देखते हैं तो 100% आप अपने पर्स का खर्चा कम कर सकते हैं और उनसे मुनाफा हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारी इस वाली वीडियो पर अमल करते हैं तो आप 100% यकीनी मुनाफे में आ सकते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आप अपने पर्स को सब्जियाँ और फलों का आदि करें। अभी आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि सब्जियां और फल तो फ्री में नहीं आती हैं और पेट्रोल महंगा होने के बाद इनकी कीमत में मज़ीद इजाफा हो चुका है। तो मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्पेशल बर्ड्स के लिए सब्जियां और फल लेकर आएँ। देखिए, हर किसी के घर में हफ्ते में एक या दो मरतबा तो सब्जियां ज़रूर आती हैं, तो उनमें से जो उनका छिलका है वो आपने अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है ताकि उनकी उस दिन की खुराक में मुकम्मल हो जाए। और उस दिन आपने जो सॉफ्ट फूड मल्टी विटामिन कैल्शियम वगैरह अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना होते हैं उनकी कमी भी पूरी हो जाए। इसके अलावा आप एक अमल और कर सकते हैं कि शाम के वक्त आप मंडी जाकर या ठेले वालों से बर्ड्स के लिए सब्जियां लेकर आएं कम कीमत पर ख़राब वाली। तो सब्जियों का ख़राब वाला हिस्सा है वो काट दें और सही वाला हिस्सा अगर आप बर्ड्स के लिए महफूज रख लें तो आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है। तो इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा विटामिन और कैल्शियम देने की भी बर्ड्स को ज़रूरत नहीं होगी। सब्जियों को इस्तेमाल करवाने के बाद आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग भी बढ़ जाएगी और इससे भी आपको मुनाफा आ सकता है। तीसरे नंबर पर आप किसी ना किसी बर्ड से ब्रीड ज़रूर लें। कोशिश करें कि हर सीज़न में कोई ना कोई एक बर्ड का पेयर आपके पास ब्रीड ज़रूर कर रहा हो। तो जैसा कि सबको मालूम है कि इस वाले सीज़न में बजीज और डबर्स तो ब्रीड नहीं करते, लेकिन फिंचिस इस वाले सीज़न में ब्रीड करते हैं। तो इस तरह आप 5 या 6 फिंचिस के पेयर रखें और उनसे ब्रीड हासिल करें ताकि आपको हर सीज़न में कोई ना कोई मुनाफा तो मिलता रहे। अगर आप फिंचिस से ब्रीड लेते हैं तो आप अपने बर्ड्स का खर्चा इजीली कंट्रोल कर सकते हैं बजीज और लवबर्ड्स की ब्रीडिंग सीज़न आने तक। जब तक लवबर्ड्स और बजीज का ब्रीडिंग सीज़न आएगा, आप फिंचिस से 1 या 2 क्लच तो ज़रूर ले चुके होंगे और उनके जो क्लच हैं उनको सेल कर आप उनके सीड का खर्चा निकाल लें और ब्रीडिंग सीज़न तक उस चीज़ को महफूज रखें। फिंचिस के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, अगर किसी भाई ने देखनी है तो ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। फिंचिस बहुत ही जल्दी ब्रीड कर लेते हैं और आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा बचा सकते हैं। अगर आप इनके क्लच को सेल करते हैं तो आप अपने दूसरे बर्ड्स के लिए सीड, उनके लिए सॉफ्ट फूड मल्टी विटामिन वगैरह भी परचेस कर सकते हैं। इससे आपका जो शौक है वो भी बढ़ेगा और नए से नए बर्ड्स की तरफ आप माइल होंगे और आपके इल्म में नॉलेज में इजाफा होगा बर्ड्स के हवाले से, उनकी ब्रीडिंग के हवाले से, उनकी खुराक के हवाले से। दोस्तों, चौथे नंबर पर, पाकिस्तान के हर घर में तकरीबन रोटी तो बनती है कि जो रात की रोटी है उसको सुबह भिगो कर रख देना है। तकरीबन 2 या 3 घंटे के बाद वो काफ़ी ज़्यादा नरम हो जाएगी और उसको हाथ से और ज़्यादा नरम कर आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। इससे आपके बर्ड्स की नेचुरल डाइट मुकम्मल हो जाएगी और आपके बर्ड्स को सीड का जो मसला है वो भी हल हो जाएगा। आप ये अमल रोज़ाना भी कर सकते हैं, इससे आपके बर्ड्स का साइज़ अच्छा होगा और जब आपके बर्ड्स का साइज़ अच्छा होगा तो लाजमी बात है कि वो ब्रीड भी अच्छी करेगा। आपके हर क्लच में 5 या 6 बच्चे ज़रूर निकलेंगे, 4 या 3 बच्चे ज़रूर वो मटकी से बाहर निकालेगा और इससे आपको मुनाफा भी ज़रूर आएगा। यानी कि आप रोटी के इस्तेमाल से अपने बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। पाकिस्तान में वीकेंड पर ज़्यादातर चावल काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो आप चावल भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उबले हुए चावल भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इस चावल को आपने हफ्ते में 2 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करवाएंगे तो बर्ड्स में चर्बी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आपने चावल को सिर्फ़ और सिर्फ हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करवाने हैं। लेकिन आप इसे सीड के मुतबादिल भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो सीड का ख़र्चा बचाने का है, इसलिए आप चावल को 2 या 3 मरतबा हफ्ते में ज़रूर इस्तेमाल करवा लें। अगर आपका केज बड़ा है तो आप चावल को हर रोज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बड़े केज में बर्ड्स फ्लाइंग ज़्यादा करता है तो उसमें चर्बी लगने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। दोस्तों, आखिरी नंबर पर आपने अपने बर्ड्स को ऐसा बर्तन प्रोवाइड करना है जिससे आपका दाना ज़ाया ना हो। मार्केट से आपको एक ऐसा बर्तन मिलता है जिसके ऊपर प्लास्टिक की स्टिक्स लगी होती हैं। अगर आप अपने बर्ड्स को इस बर्तन के अंदर दाना प्रोवाइड करते हैं तो आपके जो बर्ड्स हैं वो दाना कम से कम ज़ाया करते हैं और बाहर नहीं गिराते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि बजीज काफ़ी ज़्यादा अपना दाना ज़ाया करते हैं। प्लास्टिक के बर्तन को इस्तेमाल करवाने के बाद आप अपने बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा सीड को बचा सकते हैं और जो बचा हुआ दाना है उसको आपने फेंकना नहीं है, उसको भी आप साफ़ कर दोबारा रीयूज़ करवा सकते हैं अपने बर्ड्स को। इससे आपका दाना गंदा भी नहीं होगा और आपके बर्ड्स का जो सीड का ख़र्चा है वो भी कम से कम होगा।
तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जो कि आप अपने बर्स के खर्चे को कम करने के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं इस महंगाई के दौर में, जितनी आप बचत कर पाएं करें, क्योंकि आपको आगे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ सकती हैं अगर आप बचत नहीं करते हैं इस महंगाई के दौर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिन भाइयों ने फ़र्ज़ रखे हों उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कारामद वीडियो होगी ये वाली। दोस्तों अगर आपको इन टिप्स के बारे में पहले कभी मालूम नहीं था तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाना है ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।